अक्षय कुमार के लिए सुपरस्टार बनने का रास्ता इतना आसान नहीं रहा है। हाल ही में मिडडे के साथ एक इंटरव्यू के दौरान अक्षय कुमार ने उन फिल्मों का जिक्र किया जिससे उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। लिहाजा इस लिस्ट में सबसे पहले आई आमिर खान की सुपरहिट फिल्म जो जीता वही सिकंदर। जी हाँ, 90s में आई यह ब्लॉकबस्टर फिल्म जो जीता वही सिकंदर अपने स्टार कास्ट से लेकर अपने गानों के लिए काफी पॉपुलैरिटी बटोरी थी। आज भी इसे बॉलीवुड की यंग फिल्मों की टॉप लिस्ट में शुमार किया जाता है। अक्षय कुमार ने बताया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने भी ऑडिशन दिया था। यह ऑडिशन का शेखर मल्होत्रा के किरदार के लिए, लेकिन उन्हें मेरी एक्टिंग बकवास लगी थी इसीलिए मैं रिजेक्ट हो गया। आखिर में यह किरदार निभाया दीपक तिजोरी ने। दरअसल फिल्म डायरेक्टर मंसूर खान को इस किरदार के लिए अक्षय कुमार फिट नहीं लगे और उन्होंने अक्षय को रिजेक्ट कर दिया था। हम वरना सोचे 25 साल पहले ही अक्षय कुमार और आमिर एक साथ एक फिल्म में दिख चुके होते। अक्षय कुमार ने दिया था ऑडिशन इस फिल्म के लिए। अक्षय कुमार ने भी ऑडिशन दिया था, यह ऑडिशन का शेखर मल्होत्रा के किरदार के लिए, लेकिन आखिर में यह किरदार निभाया दीपक तिजोरी ने। फराह खान डेब्यू इस फिल्म से। फराह खान ने भी कोरियोग्राफी में डेब्यू किया था। फराह खान ने इस फिल्म का गाना पहला नशा कोरियोग्राफ किया है। इमरान खान फिल्म में आमिर खान के बचपन का किरदार उनके भांजे इमरान खान ने निभाया है। दो एक्टर्स को रिजेक्ट। शेखर मल्होत्रा के किरदार के लिए न सिर्फ अक्षय कुमार बल्कि मिलिंद सोमन को भी अप्रोच किया गया था। ब्लॉकबस्टर फिल्म आमिर खान की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। फिल्म को आज भी काफी पसंद किया जाता है। आमिर को काफी उम्मीद थी कि इस फिल्म के लिए अवार्ड दिया जाएगा। आमिर की मस्ती एक इवेंट के दौरान फराह खान ने शेयर किया कि फिल्म की सेट पर आमिर खान सबसे साथ प्रैंक किया करते थे। जो जीता वही सिकंदर वही। पूजा बेदी ने एक इवेंट के दौरान कहा था कि आज तक मुझे लोग जो जीता वही सिकंदर के लिए जानते हैं।